कल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में मेरे साथ दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद विजय गोयल जी मौजूद थे और उन्होंने वहां पर एक बहुत ही अपमानजनक बात दिल्ली वालों के लिए कही। उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी बिजली फ्री देके, पानी फ्री देके, शिक्षा फ्री देके, चिकित्सा फ्री देके, इलाज फ्री देके, बस की यात्रा फ्री देके लोगों का वोट खरीद रहे हैं। ये भाजपा की मानसिकता है। मुफ्त योजना देके, फ्री योजना देके लोगों का वोट खरीद रहे। मैं पूछना चाहता हूं विजय गोयल जी, सरकारों के पास जो पैसा होता है क्या वो किसी का निजी पैसा है? अरे ये जनता के टैक्स का पैसा है और जनता का टैक्स का पैसा अगर अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, फ्री बस की यात्रा, फ्री कोचिंग, फरिश्ते योजना, इलाज, दवा में लगा रहे हैं तो इससे आपको तकलीफ क्या है? और कल खुलेआम एक टीवी चैनल पर अगर वो कह रहे हैं कि वोट खरीदा जा रहा है, यानी कि साफ है अगर गलती से भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ गई तो ये सारी मुफ्त के और फ्री की योजनाओं का, जिसको वो कह कह के वो आलोचना करते हैं, इसको ये बंद कर दें। ये उनकी बात से साबित होता है। और दूसरी बात, दिल्ली वालों का अपमान इसलिए है कि क्या आप दिल्ली की जनता को बिकाऊ मानते हैं? दिल्ली की जनता बिकाऊ है क्या? उसको कोई खरीद सकता है क्या? अरे उनकी सुविधाओं का ख्याल रख के कुछ चीजें उनके लिए मुफ्त में, फ्री में, जो उनके जिंदगी से जुड़ी हुई सुविधाएं थी वो मुहैया कराने का काम अगर केजरीवाल जी ने किया तो क्या उनको खरीद लिया क्या? तो इसलिए पूरे दिल्ली की जनता से विजय गोयल जी को माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़कर, और अपने बयान और अपने शब्द को वापस लेना चाहिए। जनता के लिए, जनता के हित में काम करना, उनको निःशुल्क में सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपने नाकारेपन को छुपाने के लिए, अगर वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दूसरे राज्यों में जनता के हित में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो केजरीवाल सरकार को ऐसे टारगेट करना ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता का अपमान करना ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता को बिकाऊ कहना ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता का वोट खरीदा जा रहा है, उनको सुविधाएं देकर, निःशुल्क सुविधाएं देकर, ये कहना दिल्ली की जनता का अपमान है। और इसलिए विजय गोयल जी को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, आज पूरे देश भर से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं और वो आंदोलन हिंसा का रूप ले रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, इस देश के लोकतंत्र और संविधान ने हमको अधिकार दिया है प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का, अपनी बातें कहने का, लेकिन उसका एक लोकतांत्रिक तरीका है, उसका एक अहिंसात्मक तरीका होना चाहिए। वो तरीका जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमको सिखाया है, वो तरीका जिस तरीके को अपना के, जिस जरिए को अपना के, जिस आंदोलन को अपना के उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया गया जिनका सूरज नहीं डूबता था। आज आप समझिए कि अगर हिंसा होगी तो आंदोलन को बदनाम करना किसी भी सरकार के लिए बहुत आसान होगा। अगर हिंसा होगी तो पुलिसिया कार्रवाई के जरिए उसको कुचलना बहुत आसान होगा। अगर हिंसा होगी तो मुकदमे दर्ज करके जेल में डालना बहुत आसान होगा। और आप हिंसा किसके लिए कर रहे हैं? अगर आप बसें तोड़ रहे हैं तो किसकी बसें तोड़ रहे हैं?
अगर आप वाहन जला रहे हैं तो किसके वाहन? ये तो आपके हैं, ये आपके पैसे से खरीदा गया सरकारी वाहन है, क्यों जला रहे हैं आप? अगर आप आम जनता के साथ मारपीट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उनका क्या दोष है जो सड़क पर चल रहे हैं? उनका क्या दोष है जो घर से सब्जी लेने निकले हैं? उनका क्या दोष है जो एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं? क्यों उनके साथ मारपीट कर रहे हैं? क्यों हिंसा कर रहे हैं? और जब आप ऐसी हिंसक वारदातों को थोड़ा सा भी जन्म देते हैं तो पुलिस और पूरी की पूरी सरकार अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई करती है और अपनी कार्रवाई को सही मानती है। इसलिए जो लोग भी सीएए के खिलाफ आंदोलन के हितैषी हैं, समर्थक हैं, सीएए के खिलाफ आंदोलन को सही रास्ते से चलाना चाहते हैं और लोगों को न्याय दिलवाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा मत लीजिए। हिंसा के जरिए कोई आंदोलन नहीं जीता जा सकता। हिंसा करोगे तो आंदोलन को दबाने में आसानी होगी। अगर लंबी लड़ाई के लिए सब लोग तैयार रहेंगे तभी आपको जीत मिलेगी। लेकिन दिल्ली में तो कोई हिंसा की घटना नहीं आई। मैं दिल्ली की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो देश भर की जो सूचनाएं मिली हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। दिल्ली में आज बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ बीत गया। जो भी आह्वान था उसके हिसाब से लोग अपने अपने जगहों पे इकट्ठा भी हुए। बहुत सारी जगहों पे पुलिस ने रोका भी, वो कानूनी उनकी अपनी बाध्यता है, कार्रवाई की उन्होंने। लेकिन जो कुछ भी देश के दूसरे हिस्सों में भी घटित हो रहा है वो चिंतनीय है। आपने जिस कार्यक्रम की चर्चा की उसमें सीएम अरविंद केजरीवाल भी गए थे और सीएम ने दावा किया कि 5 साल से दिल्ली जो है उसका बजट बेहतर हुआ है, लाभ का है, जबकि उसके बाद 2018 के बाद आप लोगों ने कई सारी स्कीम्स चलाए, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं तो लाभ का बजट हुआ है तभी तो हम स्कीम चला रहे हैं भाई। अगर आप ये समझिए, जब हम आए तो 32,000 करोड़ का बजट था दिल्ली का, आज की तारीख में 60,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसका मतलब दो गुना किया है दिल्ली का बजट। ये एक ईमानदार सरकार का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि उसने अपने बजट को बढ़ाया है। हमारा बजट घाटे का नहीं है, हम इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी मुनाफे का बजट दे रहे हैं। कैसे? सिर्फ ईमानदारी की वजह से, सिर्फ एक अच्छी और ईमानदार सरकार है इस वजह से। एक और सवाल है, आप सोचिए, एक सरकार जो बिजली मुफ्त देती है, पानी मुफ्त देती है, चिकित्सा शिक्षा मुफ्त देती है, सड़कें फ्लाईओवर बनाती है, स्कूलों के कमरे बनवाती है, मोहल्ला क्लिनिक्स बनवाती है, 50,000 रुपए हेक्टेयर किसानों को फसल बर्बादी का मुआवजा भी देती है, 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी देती है, किसी जवान की शहादत पे तीर्थ यात्रा भी कराती है, बुजुर्गों को, महिलाओं को बस की यात्रा भी फ्री, इतना सारा काम करने के बावजूद उस सरकार का बजट मुनाफे में कैसे है और दोगुना कैसे हो गया? ये हमारी ईमानदारी का प्रमाण पत्र है। और दूसरे राज्यों की सीएजी रिपोर्ट आती है तो कई दिन अखबारों में सुर्खियों में रहती है, राज्य सरकारें रोने लगती हैं, लेकिन सीएजी रिपोर्ट दिल्ली की सरकार के ईमानदारी का एक पैमाना तय कर रहा है। सीएजी रिपोर्ट दिल्ली सरकार के ईमानदारी पर मोहर लगा रहा है जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया। एक और सवाल है, श्याम जाजू जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं दिल्ली के, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो भी कहा है सीएए को लेकर कि बाहर के लोगों को कहां बसाएंगे, कैसे नौकरी देंगे, ये उनका दायरा नहीं है, भारत सरकार का दायरा है, उनको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। नहीं, ये तो इनका अहंकार है। हर वो व्यक्ति जो इस देश में रहता है उसको इस देश के कानून से मतलब होना चाहिए। आप हमारे हित में कानून बना रहे हैं या हमारे खिलाफ कानून बना रहे हैं, ये तो जानने समझने पूछने का हक सबको है। आप एक देश के लिए कानून बना रहे हैं तो देश की जनता को, और वो तो